बुद्धं शरणं गच्छ। बुद्ध के पथ पे खुद को खोकर मिलता है मोक्ष का ज्ञान। प्रेम पथ पर सेवा कर ले तो बन जाता है इंसान। संघं युष्यन् बुद्धा गच्छा। जय भीम, नमो बुद्धाय। युष्यन् बुद्धा चैनल में आप सभी का स्वागत है और मैं हूँ याशिका। दर्शकों, आज हमारे साथ है बीएसपी के प्रदेशाध्यक्ष सुरेश साखरे जी। सर, हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सर। आज हम बात करना चाहेंगे कांशीराम जी के जीवन के बारे में। जी, कांशीराम साहब का जो जन्म जो है पंजाब में, उनका जन्म हुआ 15 मार्च 1934 को, और एक भरे पूरे परिवार में उनका जन्म हुआ और अपने घर में बेटों में सबसे बड़े थे। और उनकी शिक्षा जो है वो रोपड़ गांव में हुई, खवासपुर गांव में हुई, और रोपड़ उनका जिला है। उनके माता का नाम है बिशन कौर और पिताजी का नाम है हरिकिशन सिंह। उनकी शिक्षा जो है वो गांव में हुई 10वीं तक। उसके बाद में फिर वो जिला हेडक्वार्टर पर ग्रेजुएशन करने के लिए गए। ग्रेजुएशन पूरा करने के बाद में उन्होंने नौकरी की कोशिश की और पहले ही उसमें कोशिश में वो कामयाब हुए। वो एजुकेशन में बहुत ही वो होनहार थे और होशियार थे, सारे सब्जेक्ट में वो मैरिट स्टूडेंट थे। और ऐसे पीरियड में जब उन्होंने नौकरी के लिए अपील की तो उनके सेंटर गवर्नमेंट के डीआरडीओ डिपार्टमेंट है उसमें उन्होंने साइंटिस्ट करके नौकरी उन्होंने की और पुणे में उनको जॉब मिला। पुणे में जब जॉब करते थे तो वो करते रहे तो एक दिन उनका जो फोर क्लास का आदमी था दीना भाना नाम का, वो बड़बड़ कर रहा था कि अगर बाबा साहब के जन्मदिवस के ऊपर में, जयंती के उपलक्ष्य में छुट्टी नहीं मिल रही है और मैं एक वाल्मीकि समाज का होने के बावजूद भी मुझे से मेरे हाथ से गलत काम करवाया जाता है, तो साहब कांशीराम जी को लगा कि भाई क्या बात है। उसको उन्होंने बुला लिया, उससे बात की और बात करने के बाद में साहब बाबा साहब की जयंती की छुट्टी मिलना चाहिए, उन्होंने अपने डिपार्टमेंट में अप्लीकेशन लगाई और उनसे अधिकारियों से संघर्ष करके उन्होंने वो छुट्टी के लिए किया। तभी महाराष्ट्र के कुछ साथियों से उनकी पहचान हुई और उस साथियों के माध्यम से उन्होंने बाबा साहब की एक लिखी हुई एक पुस्तक को उन्होंने कांशीराम साहब को, महाराष्ट्र के लोगों ने उनको भेंट की और साहब कांशीराम जी ने उस पुस्तक को पढ़कर जीवन में उन्होंने बाबा साहब की एक पुस्तक पढ़कर उन्होंने मन बना लिया कि बाबा साहब ने इतने अच्छे विचार हैं, समाज परिवर्तन की बात है, राजनीतिक हो, सामाजिक हो, शिक्षा हो, हर क्षेत्र में बाबा साहब ने हम लोगों को सुविधा दी है, संघर्ष किया है। बाबा साहब के संघर्ष से बहुत प्रभावित हुए और उनको लगा कि कांशीराम जी अब तुम्हें ये नौकरी करके कितने लोगों का अपना पेट भर सकते हो, समाज का भला नहीं कर सकते हो, समाज के भला के लिए हमें कुछ तो भी करना होगा। और महाराष्ट्र के कुछ साथियों से मिलकर उन्होंने फिर वहां पर उन्होंने पुना डिपार्टमेंट में रहकर पुणे में ही उन्होंने कर्मचारियों के माध्यम से काम किया, सब लोगों को जोड़ने का काम किया। उस समय जो है आरपीआई बहुत अच्छी फॉर्म पर थी, तो आरपीए फार्म पर होने के बावजूद उनको लगा कि भाई एक बाबा साहब की जो पार्टी है उसको हमने मदद करना चाहिए। साहब कांशीराम जी ने उस पार्टी को मदद किया, उनको सपोर्ट किया, कर्मचारियों से पैसा इकट्ठा करके उनको देते रहे। लेकिन जब आरपीआई का और कांग्रेस का अलायंस हुआ तो बाबा साहब के नाम पर आरपीआई चलने वाली उसको एक सीट मिली पंढरपुर की और बाकी सीटें 420 सीटें वो कांग्रेस को मिली। तब कांशीराम साहब को लगा कि बाबा साहब के आरपीआई को एक सीट और गांधी के कांग्रेस को 420 सीट, ये कौन सा अलायंस है। बड़े दुखी हुए, रात भर वो अलायंस का सिलसिला चला और बाद में पता चला कि एक सीट आरपीआई को मिली, बहुत दुखी हुए। और साहब कांशीराम जी ने मन बनाया कि भाई इससे काम नहीं चलेगा, मुझे कुछ तो भी करना होगा। और फिर उन्होंने 1971 से लेकर तो
6 दिसंबर 1987 तक उन्होंने काम करते रहे और बाद में उन्होंने पढ़े लिखे कर्मचारियों का उन्होंने एक संगठन बनाया। संगठन बनाया उन्होंने और कर्मचारियों का संगठन क्यों बनाया कि उन्होंने देखा कि जो पढ़े लिखे जो लोग हैं, पढ़े लिखे लोगों को बाबा साहब का जो आरक्षण है, शिक्षा का आरक्षण, नौकरी का आरक्षण, उसका पढ़े लिखे लोगों को बहुत फायदा हुआ और फायदा होने के नाते उनको ऐसा लगा कि ये लोग समाज परिवर्तन के लिए समाज में जाकर बात कर सकते हैं। तो उन्होंने बामसे का जो 6 दिसंबर 1978 को बामसे बनाई और उसके माध्यम से उन्होंने पढ़े लिखे कर्मचारियों को घूम घूम के उन्होंने इकट्ठा किया। इकट्ठा करने के बाद में उनको बहुत परेशानी उस दरमियान और कहीं नौकरी उस दरमियान उन्होंने नौकरी भी छोड़ी। नौकरी छोड़ने के बाद में पैसा घूमते गए ऐसे कई मौके आए कि वो प्लेटफार्म पर सोते गए, कई जगह पर तो खाना नहीं मिला, कुछ नहीं, भूखे रहे। एक तो ऐसा कार्यक्रम था कि जहां पर दिन भर प्रोग्राम चला, शाम को जब रात में साहब कार्यक्रम करके आए और जहां पर खाने की व्यवस्था थी तो खाने की व्यवस्था को देखा तो रात के 2 बजे साहब कामसीराम जी अपने सहकार्य को पूछते हैं कि भाई कुछ खाने के लिए है क्या, तो वो दोनों मिलकर वो बर्तन को टटोलते हैं और बर्तन को टटोलने के बाद में देखते हैं तो उसमें कुछ भी नहीं होता। तो साहब बड़े बोलते कोई बात नहीं है, तो उनका सहकारी कहता है कि साहब एक रोटी है और दोपहर की है और गर्मी के दिन थी, बड़ी सूख गई थी, कड़क हो गई। तो साहब कामसीराम जी कहते हैं कि ला भाई उस रोटी ला, मैं उसी से खा लूंगा। तो एक गिलास पानी लिया, उस सूखी रोटी को साहब कामसीराम जी ने उस पानी से डुबोकर रोटी खाई और इस मोमेंट के लिए काम करते रहे। ऐसे साहब कामसीराम जी का अनेकों जीवन उदाहरण उनका है। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ही एक ऐसे नेता थे जिन्होंने राजकीय विश्वास बना के रखा था, क्या कांशीराम जी का भी भारत की जनता पर ऐसे ही राजकीय विश्वास बना रहा? देखिए बाबा साहब के जीवन से बहुत प्रभावित थे साहब कांशीराम जी और उन्होंने सोचा कि जब बाबा साहब अकेले इतना संघर्ष कर सकते और राजकीय ही इससे संगठन से ही हम लोग देश का भला कर सकते, जैसे बाबा साहब ने कहा कि राज की सत्ता ऐसी गुरकिल्ली है जिससे हर बंद ताले आप खोल सकते हैं, उसी मूल मंत्र को लेकर साहब कांशीराम जी आगे बढ़े और उन्होंने वो विश्वास रखकर लोगों को, गरीबों को, दलितों को, पीड़ितों को, शोषितों को, वंचितों को बताया कि आप बाबा साहब की विचारधारा को ही लेकर आप लोग सत्ताधारी बन सकते हैं। और उन्होंने एक नारा दिया था, क्या नारा दिया था, जीतेगा वही जीतेगा, होटो वाला जीतेगा, हारेगा वही हारेगा, नोटो वाला हारेगा। उन्होंने और एक नारा दिया था, क्या नारा दिया था, जितनी जिसकी संख्या भारी उतनी उसकी भागीदारी। साहब कांशीराम जी हमेशा कहते थे कि भाई ये देश सबका है, सबका देश है तो सबको समान अधिकार मिलना चाहिए, समान शिक्षा का अधिकार होना चाहिए, सामाजिक उसका स्टेटस समान होना चाहिए, आर्थिक उसका स्टेटस होना चाहिए, धार्मिक उसको जो आदमी जिस धर्म को मानता है उस धर्म को मानते हुए समानता का इस देश में वातावरण होना चाहिए और भाईचारा निर्माण होना चाहिए। यही कांशीराम जी ने बाबा साहब की संकल्पना को लेकर उन्होंने पूरे देश में काम किया और बताया कि भाई महाराष्ट्र के ये 3 जो पुरुष हैं, महापुरुष हैं, उसमें उन्होंने 3 महापुरुषों को फोटो दिखाई पूरे भारत देश के दलितों पीड़ितों को, उसको कौन था, टाई वाला यानी बाबा साहब अम्बेडकर, पगड़ी वाला यानी शाहू महाराज, और दाढ़ी वाला बोलने से महात्मा ज्योतिबा फुले। इन 3 महापुरुषों की फोटो दिखाकर कहा साहब कांशीराम जी ने पूरे देश के लोगों को कि मैंने इन 3 फोटो के भरोसे, आप फुले, शाहू, बाबा साहब, कांशीराम बाबा साहब के भरोसे ही आप इस मोमेंट को आगे बढ़ा सकते हैं। और इन्हीं की विचारधारा को साहब ने घूम घूम कर समाज के लोगों को इकट्ठा किया। जब बामसे तैयार हो गई तो 6 दिसंबर 1981 को ही साहब कांशीराम जी ने DS4 नाम की एक सामाजिक संगठन बनाई, दलित शोषित समाज संघर्ष समिति बनाई, उसका शॉर्ट फॉर्म था कि DS4। उसके माध्यम से नौजवानों को इकट्ठा किया। क्यों नौजवानों को इकट्ठा किया कि पढ़े लिखे जो कर्मचारी हैं,
वो पढ़े लिखे कर्मचारी वो जो है उनको रूल ऑफ कंडक्ट लागू होते सेंटर गवर्नमेंट के और स्टेट गवर्नमेंट के, वो खुलकर वो सामने फ्रंट पर किसी बैनर पर किसी संगठन के नाम पर काम नहीं कर सकते। तो इन्होंने बैकग्राउंड से उन्होंने बामसे वालों को तैयार किया और फ्रंट में लाने के लिए डीएसपोर के माध्यम से युवाओं को तैयार किया। युवाओं को जब तैयार किया तो युवाओं का संगठन उन्होंने बनाया और वो युवाओं को बामसेप के लोगों ने कैडर बेस किया। कैडर बेस जब उन्होंने कर लिया, जब कैडर बेस वो संगठन चलते रहा और उन्होंने बहुत सारे आंदोलन किया दो राज्यों में, तो उन्होंने डीएसपोर के माध्यम से उन्होंने अपने उम्मीदवार भी खड़े किए, चुनाव भी लड़वाया डीएसपोर के माध्यम से। इस तरह से उनका जीवन संघर्ष में चलते रहा। अनेकों बताने उदाहरण बताएंगे तो बहुत सारे उदाहरण है उनके नाम से, जीवन में उनके बहुत उतार चढ़ाव आई। कुछ लोगों ने, उनके साथियों ने बामसेप को तोड़ने का काम किया, राजीव गांधी के माध्यम से जो प्रधानमंत्री उनके माध्यम से तोड़ने का काम किया, लेकिन साहब बामसेप टूटने के बावजूद भी साहब कांशीराम जी घबराए नहीं। साहब कांशीराम जी कहते थे कि भाई बामसेप का रजिस्ट्रेशन नहीं होना चाहिए, जैसे आरएसएस एक सामाजिक संगठन है वो समाज हित के लिए काम करना चाहती है, उसी के तर्ज पर साहब कांशीराम जी बामसेप को लेकर चलना चाहते थे। और कुछ लोगों ने फिर उस बामसेप को तोड़ा और वो आज अलग अलग कई घटकों में बामसेप काम कर रही ली। लेकिन साहब कांशीराम जी ने बामसेप तैयार की है इस साहब कांशीराम जी के दृढ़ विश्वास के माध्यम से। जैसे आपने कहा कि आपका प्रश्न था कि बाबा साहब के दृढ़ राजनीतिक दृढ़ विश्वास को रखकर उन्होंने शुरुआत की बामसेप से डीएसपुर की। और 14 अप्रैल 1984 को बाबा साहब के जन्मदिन के उपलक्ष्य में जो तीनों ही घटना है, चाहे वो डीएसपुर हो, चाहे वो बामसेप हो, 6 दिसंबर 1978 को, 6 दिसंबर 1981 को जो है तुम्हारी डीएसपुर हो, या 14 अप्रैल 1984 को बहुजन समाज पार्टी की स्थापना की, और बाबा साहब के तीनों घटनाओं को आधारित उन्होंने लेकर साहब कांशीराम जी ने किया और 1984 को बहुजन समाज पार्टी की जब स्थापना हुई तो राजनीतिक तो उनका एजेंडा था ही, सत्ताधारी बनना उनका एजेंडा था ही, लेकिन समाज में परिवर्तन करना मूल उनका उद्देश्य था कि इस देश का दबा कुचला गरीब पिछड़ी दलित आदिवासी अल्पसंख्यक सिख मुस्लिम ईसाई बौद्धिस्ट ये जो समाज है, इस समाज जो दबा कुचला है, इस दबे कुचले समाज को आगे बढ़ाने का उसका माध्यम था वो राजनीतिक माध्यम था। और राजनीतिक माध्यम को ही लेकर उन्होंने बीएसपी को बनाकर उन्होंने इस मूवमेंट को आगे बढ़ाने का काम। सर, बहुजन समाज पार्टी को स्थापित करने के पीछे का मेन उद्देश्य क्या था? बहुजन समाज पार्टी की जो स्थापना की गई उसका उद्देश्य क्या था सर? देखिए, बाबा साहब आम्बेडकर ने कहा था कि राजसत्ता ऐसी गुरु किल्ली है कि जिससे आप बंद दरवाजे खोल सकते हैं। अच्छा। और जब तक हम अपने पैरों पर, अपने बैनर पर हम हमारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट नहीं जिता के ला सकते, असेंबली में हम अपने विधायक नहीं जीत के ला सकते, तब तक हमारी बात कौन रखेगा? जो वर्तमान में जो राजनीतिक पार्टियां साहब कांशीराम जी के जमाने में भी वही थी, कांग्रेस बीजेपी, आज भी बीजेपी कांग्रेस ही है। ये दोनों पार्टियां जो है ये चाचा भतीजों की पार्टी है। ये पार्टी चाहे वो सरकार बीजेपी की हो चाहे वो कांग्रेस की, एजेंडा उनका एक ही है, एजेंडा एक ही। इसलिए साहब कांशीराम जी ने सोचा कि ये लोग इन दलित पिछड़ी ओबीसी समाज का भला नहीं कर सकते, इसलिए उन्होंने उसको अपनी पार्टी बनाई। जब अपनी पार्टी बनाई और उन्होंने तीन महापुरुषों की विचारधारा के माध्यम से विधायक और सांसद जिता के लाए। आपको पता होगा जब वीपी सिंह जी इस देश के प्रधानमंत्री जब बनना चाहते थे तो जब उनको बीएसपी की आवश्यकता थी, वो साहब कांशीराम जी की और बहन जी के पास में आए, और बहन जी और साहब कांशीराम जी के पास में आए, वीपी सिंह जी कहने लगे कि बीएसपी का हमें सपोर्ट चाहिए। तब बहन जी भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थी, तो उस समय बहन जी और साहब कांशीराम जी के पास में वीपी सिंह जाए तो साहब कांशीराम जी ने और बहन जी ने उनको दो कंडीशन रखी। पहली कंडीशन एक रखी थी कि परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर को भारत रत्न पुरस्कार मिलना चाहिए। आजादी के बाद तक यूपी सिंह की सरकार तक बाबा साहब को भारत रत्न पुरस्कार नहीं मिला था, छोटे छोटे लोगों को भारत रत्न पुरस्कार दिया गया, लेकिन बाबा साहब को भारत रत्न पुरस्कार नहीं दिया गया। तो यूपी सिंह सरकार को बहन जी ने और साहब ने बोला कि बाबा साहब को भारत रत्न पुरस्कार देते होगे तो हमारा सपोर्ट है।
दूसरी कंडीशन रखी थी, मंडल आयोग के तहत ओबीसी समाज को आरक्षण मिलना चाहिए 52%। ये बाबा साहब कांशीराम जी ने दोनों कंडीशन रखी और वीपी सिंह सरकार ने उस बात को माना और वीपी सिंह प्रधानमंत्री बने, तो बाबा साहब अम्बेडकर को भारत रत्न पुरस्कार दिया गया और ओबीसी को आरक्षण दिया गया। ये ओबीसी को जो आरक्षण मिला है ये साहब कांशीराम जी की देन है। डॉक्टर, बाबा साहब अम्बेडकर के जाने के बाद उनके कार्यों का कारवा जो होता है वो वही थम गया था, क्या कांशीराम जी के जाने के बाद भी उनके कार्यों का कारवा वही थम गया कि सतत कायम है? देखिए, बाबा साहब को तो महाराष्ट्र के एक एक बच्चा बच्चा मानता था, लेकिन साहब कांशीराम जी ने बाबा साहब की पूरे मूवमेंट को पूरे देश में गांव गांव तक पहुंचाने का काम अगर किसी ने किया होगा तो माननीय साहब कांशीराम जी ने किया है। और कांशीराम जी ने तो मूवमेंट को आगे बढ़ाया और उसके अपने जीते जी उनको मालूम था कि बाबा साहब के जाने के बाद में आरपीआई के जो टुकड़े हुए, इसलिए साहब कांशीराम जी हमेशा इस बात से चिंतित थे कि मेरे जाने के बाद में बहुजन समाज पार्टी का ये हश्र ना हो, इसलिए उन्होंने अपने जीते जी बहन कुमारी मायावती जी को अपना उत्तराधिकारी घोषित किया और बहन जी को किसी मोह में या किसी बात पर नहीं किया। तो साहब कांशीराम जी के नक्श में कदम पर चलने का काम साहब के जीते जी बहन जी ने काम किया और उत्तर प्रदेश को खड़ा किया। जहां जहां साहब ने बहन जी को जहां जहां जो जो जवाबदारी दी, बहन जी को जितनी जवाबदारी दी उससे बढ़ चलकर बहन जी ने वो जवाबदारी को निभाया। और जब साहब कांशीराम जी को लगा कि बहन कुमारी मायावती जी ये जवाबदारी पूरी निभा सकते हैं, मेरे जाने के बाद में भी मेरे मूवमेंट को आगे बढ़ा सकते हैं, तो अपने जीते दिन साहब कांशीराम जी ने बहन जी को उत्तराधिकारी घोषित किया। और साहब के जाने के बाद में आपको बता देना चाहता हूं कि उसको साबित भी किया बहन जी ने कि साहब के जाने के बाद में पूर्ण बहुमत की सरकार उत्तर प्रदेश में बनाने का काम परमादरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने किया है। ये दिखा दिया कि जो व्यवस्थावादी जो पार्टियां है बीजेपी और कांग्रेस, ये दोनों पार्टी बहन जी को इतना परेशान करते हुए बहन जी ने उनसे लोहा लेकर साहब कांशीराम जी के मूवमेंट को निरंतर आगे बढ़ाने का काम बहन जी कर रही है। कांशीराम जी जब सामाजिक कार्य कर रहे थे उस समय उन्हें कई प्रकार की सामाजिक प्रताड़ना का भी सामना करना पड़ा, ऐसे कोई कार्य जो हमारे दर्शकों को एक प्रेरणा देने का कार्य करेंगे, ऐसी कुछ बातें? साहब कांशीराम जी को तो समय समय पर बहुत लोगों ने तकलीफें देने का सामाजिक तकलीफें देने का काम किया, लेकिन साहब कांशीराम जी का जीवन ही सादगी भरा जीवन है। उन्होंने तीन कसम खाई थी साहब कांशीराम जी ने कि मैं शादी नहीं करूंगा, उन्होंने पूरे जीवन भर वो निभाई। उन्होंने कहा मेरे नाम से पूरे देश में कहीं पर भी मेरे नाम से कोई भी एक रुपये की संपत्ति नहीं होगी और मैं अपने घर नहीं जाऊंगा। तीनों कसम साहब कांशीराम जी ने निभाई और यही सामाजिक प्रेरणा सब बहुजन समाज के लोगों को ये सीख देती है कि साहब कांशीराम जी का जैसा निष्कलंक जीवन 19वीं सदी में और अभी के सदी में कोई दूसरा कोई नहीं है, उससे हम लोगों ने प्रेरणा लेनी चाहिए। कांशीराम जी ने जन जागृति करने के लिए, सामाजिक जन जागृति, भेदभाव को खत्म करने के लिए कुछ मैगजीन, साप्ताहिक पत्रिका, इसकी भी शुरुआत की थी। क्या वो पत्रिकाएं आज भी, साप्ताहिक पत्रिकाएं आज भी शुरू है कि बस जब कांशीराम जी थे तब तक ही थी? देखिए, साहब कांशीराम जी जब शुरू किया तो महाराष्ट्र में बहुजन नायक उन्होंने साप्ताहिक निकाला, डेली पेपर निकाला, बहुजन संगठन हिंदी में दिल्ली से निकालते गए। साहब कांशीराम जी ने अनेकों भाषा में उन्होंने साप्ताहिक पेपर निकाले जन जन तक पहुंचने का, वो उस समय की गरज थी, वो उस समय का माध्यम था, क्योंकि हमारे लोगों की बात वो एक माध्यम था, वर्तमान पत्र ही मैगजीन ही हमारा माध्यम था, क्योंकि जो प्रस्तापित लोग थे वो हमारी बात तो ना तो लिखते थे ना तो हम लोगों को बताते थे, इसलिए साहब कांशीराम जी ने उसको आवश्यक समझा और उन्होंने अपने जीते जी चलाया। लेकिन अभी का जो दौर है,
हम इस आज जो 2018 में जो बैठे हैं, अब ये सोशल मीडिया का है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का है, अब फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर अनेक जो साधन हो गए, उपलब्ध हो गया है, तो वो अभी उसकी जरूरत मुझे लगता है कि अभी उसकी जरूरत, वो पिछला था काल था, अब ये बहुत फास्ट है, आज की युवा पीढ़ी बहुत फास्ट देखती है, उसको इतना समय नहीं है वो पेपर और ये पढ़ने का, तो इमीजिएट वो इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से चला रही है और उसको उस माध्यम को बहन जी भी अग्रेसर भूमिका निभाकर हमारा इलेक्ट्रॉनिक, फेसबुक और सोशल मीडिया पर बहुजन समाज पार्टी आज कार्य कर रही है। कांशीराम जी, जनजागृति, बहुजन समाज पार्टी की जनजागृति करने के लिए साइकिल रैली, पद यात्रा इस प्रकार की निकाला करते थे, हर गांव गांव, हर शहर शहर में, क्या आज भी वो दौर चालू है? साहब, कांशीराम जी के विचारधारा को चलते ही बहुजन समाज पार्टी चल रही है। अब आज हर आदमी के पास में साइकिल नहीं है, मोटरसाइकिल है, मोटरसाइकिल रैली, कार रैली और कैडर कैंप, आज ही पर डे हर महाराष्ट्र की मैं बात करता हूं तो महाराष्ट्र में ऐसा कोई जिला नहीं है जहां पर कैडर कैंप नहीं हो रहा है। हर तालुका लेवल पर, हर विधानसभा लेवल पर हर दिन बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ता साहब कांशीराम जी को, उनकी बात को आगे मानते हुए कैडर कैंप के माध्यम से प्रशिक्षित नवयुवकों को कर रहे हैं। पहले ब्लैक बोर्ड पर लिखा जाता था, अब वो तुम्हारा उसमें इलेक्ट्रॉनिक मीडिया आ गया, इलेक्ट्रॉनिक वस्तु आ गई है, तो वो उसकी वजह से हम लोग उसको सारा अपडेट करके दिखाते हैं और कैडर के हम निरंतर चलते हैं। बहुत साहब कांशीराम जी का मानना है कि हमें कैडर बेस्ड कार्यकर्ता तैयार करना चाहिए। साहब कांशीराम जी कहते थे मुझे न बिकने वाला समाज तैयार करना है, जब मुझे न बिकने वाला समाज तैयार होगा तो न बिकने वाला नेता होगा। अगर न बिकने वाला नेता है, क्योंकि नेता तो बिकता है, साहब कांशीराम जी का मानना था, और जब न बिकने वाला समाज तैयार होगा तो फिर नेता बिकेगा नहीं, उसकी पिटाई होगी। जी, कहा जा सकता है कि आज की बहुजन समाज पार्टी की डोर जो है वो मायावती जी के हाथ में है। जी, तो पहले की बहुजन समाज पार्टी में और अभी मायावती जी की बहुजन समाज पार्टी में किस प्रकार का फर्क है? क्या उस प्रकार के कार्य अभी भी लगातार अग्रसर है किए जा रहे हैं कि बस कांशीराम जी के रहते हुए थे? नहीं नहीं नहीं, जो साहब कांशीराम जी के रहते हुए जो कार्य है उसी को आगे बढ़ाने का काम परमादरणीय बहन जी कर रही है। साहब कांशीराम जी के एक एक बात को कोई भी कार्यकर्ता भुला नहीं है, उनके बताए हुए रास्ते पर हम लोग मूवमेंट को आगे बढ़ा रहे हैं और ये साहब की जो विचारधारा है, काम करने का तरीका है, ये निरंतर सदियों तक चल रहा है और बहन जी भी उसको फॉलो कर रही है, उसी ढंग से हमारी पार्टी का काम चल रहा है। सर, बहुत बहुत धन्यवाद आप हमारे चैनल में आए। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे नए एपिसोड के साथ। आप देखते रहिए यूसीएन बुद्धा। बुद्धं शरणं गच्छामि। बुद्ध के पथ पे खुद को खोकर मिलता है मोक्ष का ज्ञान। प्रेम पथ पर सेवा कर ले तो बन जाता है इंसान। संघं युसिन बुद्धा गच्छामि।